पूर्वज बीज और पूर्वज में क्या अंतर है? बीज में और पूर्वज में, पूर्व माने पहले और ज माने जन्म लेने वाला। पूर्व माने पहले और ज माने जन्म लेने वाला। दिशाएं तो जानते हैं, चार दिशाएं, आठ दिशाएं गई जाती है ना, उनमें पहली दिशा कौन सी है? है पूर्व। पहली दिशा क्यों मानी जाती है? है क्योंकि सूर्य उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है तब दुनिया को संसार का पता चलता है। आंख खुली दुनिया देखने में आती है, और घोर अंधकार हो तो दुनिया में अंधेरा होता है। तो दुनिया में पहले पहले किसने जन्म लिया? क्या कहें? सूर्य ने जन्म लिया। वो है जड़ सूर्य, जड़ दुनिया का, और ये है आत्माओं का लोक, आत्माओं की दुनिया। इसमें ज्ञान सूर्य है। वो ज्ञान सूर्य इस दुनिया में पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? हैं? बजाता है। तो इस दुनिया का बीज कहा जाता है, इसलिए वो पूर्वजों का भी पूर्वज है। पहले पहले किसका जन्म हुआ? जो मनुष्य शक्ति का बीज है उसका पहले पहले जन्म होता है। पहले पहले अपनी पहचान किसको मिलती है? बीज को मिलती है। मनुष्य शक्ति का जो बीज है उसको पहले पहले निश्चय होता है कि मैं इस सृष्टि का बीज, परमपिता परमात्मा की संतान, प्रजापिता हूं। तो वो है पूर्वज। और जो पूर्वज है उससे पहले झाड़ का कोई अंश नहीं होता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी बीज से पहले कोई अंश नहीं होता है। होता है? पहले पहले कौन सा अंश होता है? पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, टहनियां होती हैं, तना होता है, पर क्या होते हैं? बीज होता है। तो कहेंगे पूर्वज। जो पूर्वज है वो ही बीज है। और बीज माने बाप है। कई बार राष्ट्रदेवों के लिए उनके लिए पूर्वज भी बोले हैं और बीज भी बोले हैं। राष्ट्रदेवों के अलग अलग धर्मों के बीज, अलग अलग धर्मों के बीज अभी तक उनमें इंदौर में सबसे ज्यादा लफड़ा था ये चोरगुल का। अब उससे भी नंबर वन एक और सेंटर खुलने जा रहा है। कौन सा? खगड़िया। एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ बाबा मुरली में आया है, उसमें आने का कारण है कि वो कन्वर्ट नहीं होता है।
इसका बेहद पूरा वाक्य बोलो ना, अधूरा वाक्य उठा लिया। उसमें आने का कारण है कि उसमें माने किस में? प्रजापिता में। हाँ, प्रजापिता में आने का कारण है कि वो कन्वर्ट नहीं होता। नहीं होता है। लेकिन बाबा तो बोलते हैं अष्टदेव अपने धर्मों के अंत में लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अष्टदेव कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जो अष्टदेव कन्वर्ट हो जाते हैं उनके कन्वर्शन में नास्तिकता का पार्ट अंत में कौन बजाता है जो सारी दुनिया का विनाश का निमित्त बनता है? शंकर बनता है ना। हाँ। इसलिए बोला है। अब धर्म कोई नास्तिक होता नहीं है। हाँ जी, कब से चलेगी? जब पीयू को सारी दुनिया पहचान देगी। जब पीयू को सारी दुनिया पहचानेगी तो पीयू की वाणी चलेगी। अभी पहचाना है, पहचानने वाले भी आज पहचानते हैं, कल माया उनसे गालियां दिलवाने लगती है। आदि में तो पीयू की वाणी चली थी। आदि में चली तो अंत में भी चलेगी। बाबा बोलते हैं सदा कायम शिव बाबा, इस सृष्टि पे सदा कायम शिव बाबा है। लेकिन शिव तो साक्षी हो जाते हैं ना। तुम तो शिव अकेले की बात करते हो या शिव बाबा की बात करते? बाबा की बात करते हैं। बाबा की बात, शिव की बात तो नहीं करते? नहीं, बाबा तो फिर साकार मनुष्य सृष्टि का पिता और निराकार। तो जीव अलग है। हाँ। और आत्मा अलग है। आत्मा शरीर का आधार लेती है तब उसे कहा जाता है जीवात्मा। अगर शरीर से अलग है तो क्या कहेंगे? आत्मा कहेंगे। जीव माने जीवित। ऐसे यहाँ पर शिव बाबा की बात है। शिव और बाबा माने दोनों का कॉम्बिनेशन। जो दोनों कॉम्बिनेशन है उससे पता चलता है कि हीरो पाठधारी कौन है। जो हीरो पाठधारी है वो ही सच्चा हो सकता है या दूसरे सच्चे हो सकते हैं। हीरो पाठधारी तो बस वही सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। उसको जो फॉलो करेंगे वो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, क्योंकि शिव एक ही मुकर्र रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, औरों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। औरों में कुछ न कुछ असत्य है, उनको फॉलो करेंगे तो असत्य का अंश आ जाएगा जो दुखी बनाता रहेगा। शिव और शंकर इन दोनों को मिला के एक क्यों किया जाता है? दुनिया में 33 करोड़ देवताएं माने जाते हैं, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, अनगिनत अरबों खरबों शंख दस शंख हजार शंख और भी जीवात्माएं हैं। उनका नाम शिव के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? कारण होगा कि नहीं है? एक ही कारण है, कि वही आत्मा है जो शिव के समान पहुंचती है, सदा काल के लिए नहीं लेकिन अल्पकाल के लिए भी पहुंचती है। और आत्माएं बाप समान की डिग्री नहीं ले पाती। एक ही आत्मा है जिसको शिव बाप आकर के आप समान बनाता है।
और दूसरी कोई भी आत्मा संसार में नहीं है जिसको शिव बाप आप समान बना सके। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है और कोई के साथ नहीं। उसी का दूसरा नाम है शिव बाबा। वो जन्म जन्मांतर ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने वाला है। इस आखिरी जन्म में नीच से नीच पाठ बजाता है तो इस आखिरी जन्म में ऊंच से ऊंच पाठ भी बजाता है। एक ही जन्म में काले से काला और एक ही जन्म में गोरे से गोरा। इतने धर्म पिताएं हैं, इतना काला पाठ भयंकर पाठ और इतना गोरा पाठ सौम्य पाठ और किसी आत्मा का हो ही नहीं सकता। इसलिए बताया कि शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। संगम युग में सारी दुनिया बाप को पहचानती है, शिव बाबा को जानती है। एक टाइम ऐसा भी आता है, बाकी चार युगों में दुनिया के लोग शिव बाबा को पहचानते नहीं है। शिव बाबा तो रहता है लेकिन शिव बाबा को जानते नहीं है। और बाबा हाँ जैसे पुरुषार्थ में बैठना अच्छा होता है या खड़े रहना अच्छा है? जो थक जाता है वो बैठता है या जो नहीं थकता है वो खड़ा रहता है? वो खड़ा रहता है, जो थक जाता है वो बैठ जाता है। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों बैठ जाते हैं। एक विष्णु है जो खड़ा रहता है पुरुषार्थ, इसलिए विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया है, वो कभी थकता ही नहीं। विष्णु 16 कला संपूर्ण होता है या ब्रह्मा 16 कला संपूर्ण होता है? विष्णु 16 कला संपूर्ण। और शंकर भी, उसकी तो कलाओं की बात ही नहीं, वो तो शिव बाप के समान हो जाता है। वो तो कलातीत हो गया, उसकी कलाएं गिनती में ही नहीं आती। उसका क्या बैठना और क्या खड़ा होना दोनों बराबर हो जाते, पता ही नहीं चलता ये सो रहा है कि बैठा है कि खड़ा है। इसलिए विष्णु को खड़ा हुआ दिखाते हैं। सारे चार नाम जो आत्मा है, है बीज रूप है, बेसिक और एडवांस में वो बेसिक और एडवांस 4.5 लाख आत्मा बीज रूप निंदा करके बेसिक में भी है बीज रूप विजय माला आधा और आधा आरुद माला वो नॉट कितनी बताई? 4.5 लाख। 4.5 लाख जो बीज आएंगे विजय माला से, वो बीज फीमेल बीज है जो फाउंडेशन जमाने के लिए नीचे जाता है हिस्सा। जैसे चना है, चने के दो दल होते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग का बीज है। जब बोया जाता है धरणी में तो एक हिस्सा नीचे जाता है और एक हिस्सा ऊपर आता है। उसमें स्त्री और पुरुष के चौधरी बराबर होंगे कि कम बेस होंगे? अरे बराबर ही होंगे, कम ज्यादा क्यों होंगे? कोई वहाँ हिजड़ा थोड़ा ही होता है,
अच्छा, ये परिवर्तन होने के बाद है तो उसमें कोई भाई ऐसा बोलता है, है? कोई भाई ऐसा बोलता है, है? कि स्त्री परिवर्तन होगा नहीं, स्त्री पुरुष हो जाएगा, पुरुष स्त्री बन जाएगा, ये चल रहा है। आपकी बुद्धि में बैठा दिया गया कि आप जन्म जन्मांतर पुरुष चोले ज्यादा लेंगे या स्त्री चोले ज्यादा लेंगे, राजा बनना आपको ज्यादा अच्छा लगता है या रानी बनना, अधीन बनना ज्यादा अच्छा लगता है? राजा बनना। तो जब आपकी बुद्धि में बैठ गया पक्का पक्का कि हमें तो राजा बनना अच्छा लगता है, तो जन्म जन्मांतर आप राजा बनने का संकल्प ज्यादा चलाएंगे, शूटिंग राजा बनने की ज्यादा करेंगे या स्त्री चोला धारण करने की शूटिंग करेंगे? राजा बनने की। तो जब संकल्प लगातार चलाएंगे तो संकल्पों से सृष्टि बनती है या नहीं बनती है? बनती है। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। हम भी आत्मा क्या है? हम भी अपना स्थापना पालना और विनाश करने वाले हैं। सुख की दुनिया की स्थापना हम करते हैं, दुख की दुनिया का विनाश भी हम आत्मा करते हैं अपने लिए, और जो नई दुनिया तैयार हो रही है उसकी पालना भी हम आत्मा करते हैं। तो हम आत्मा में ये पार्ट नुदा हुआ है, जो पार्ट जिसके अंदर नुधा हुआ है उसके अंदर वैसे ही संकल्प चलेंगे। जब वैसे ही संकल्प चलेंगे तो मेंटेलिटी कैसी बनेगी? स्त्री स्वभाव की मेंटेलिटी बनेगी या पुरुष स्वभाव की मेंटेलिटी बनेगी? जैसे संकल्प चलेंगे वैसे ही मेंटेलिटी बनेगी। आज की दुनिया में भी ऐसे ही होता है, ऐसे होने लगा है कि कोई पुरुष अभी तक पुरुष था, देखा गया तो वो स्त्री बन गया, दाढ़ी मूछ खलास हो गई, स्त्री के अंग चेंज हो गए, कोई स्त्री पुरुष बन जाती है क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। जो हार्मोन्स का कनेक्शन है वो मनसा के संकल्पों से है। 11 इंद्रियों में से कौन सी इंद्रिय प्रधान है? मन प्रधान है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन के संकल्पों से हम जैसा जैसा बीज डालेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि जो रुद्रमाला के मन के बन करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके अंदर कौन से संस्कार ज्यादा समा गए? हैं? राजा बनने के संस्कार समा गए। वो आधीन नहीं होना चाहते, भले स्त्री चोला है। एडवांस में ज्यादातर जानते हैं लोग कि जो स्त्रियां ज्ञान में चल रही है एडवांस में, वो पुरुषों को ज्यादा कंट्रोल कर रही है या पुरुष स्त्रियों को ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं? इस पढ़ाई में, राजा बनने की पढ़ाई में स्त्रियां ज्यादा आगे जा रही है या पुरुष ज्यादा आगे जा रहे हैं? देखो एक एक परिवार को कौन आगे जा रहे हैं? हाँ, कन्याएं माताएं आगे जा रही है, वो दुनिया भी पढ़ाई में भी देखा जाता है। कन्याएं माताएं आगे जा रही हैं या कुमार और अधर कुमार दुनिया में ज्यादा आगे जा रहे हैं? कन्याएं माताएं आगे जा रही है। ये ईश्वरीय ज्ञान में भी ऐसे ही है। ईश्वरीय ज्ञान में भले चोला स्त्री का है फिर भी ये पढ़ाई किसकी है? चोला स्त्री का है फिर भी पढ़ाई किसकी है? ऊंचते ऊंच बाप की पढ़ाई है। वो ऊंचते ऊंच बाप की पढ़ाई पवित्र ज्यादा गहराई से पढ़ेगा या अपवित्र ज्यादा गहराई से पढ़ेगा? पवित्र ज्यादा गहराई से पढ़ेगा। तो जो पवित्र आत्माएं हैं, भले स्त्री चोला है लेकिन बुद्धि में बैठा हुआ है मैं राजा बनूंगा, तो इसी जन्म में हो सकता है कि उनके हार्मोन्स
चेंज हो जाएं और वो काम करके दिखा दें जो बड़े बड़े पुरुषत्व वाले नहीं करके दिखा सकेंगे। नहीं तो बताओ, प्रैक्टिकल प्रूफ शास्त्रों में भी देते हैं। शंकर का खास काम क्या है? है विनाश। लेकिन शंकर विनाश करता है या प्रैक्टिकल में कन्याएं माताएं विनाश में सहयोगी बनती है? असुर संहारिणी पुरुष गाए जाते हैं या स्त्रियां गाई जाती हैं? स्त्रियां गाई जाती हैं। तो प्रैक्टिकल में किसने करके दिखाया? कन्याओं माताओं ने करके दिखाया। पुरुषों में इतनी ताकत ही नहीं है क्योंकि प्योरिटी की पावर नहीं धारण करते। दुनिया में भी आज देखा जा रहा है कि पुरुषों का काम भी स्त्रियां कर लेती हैं। एक होती है निरंतर याद, एक होती है सहज याद। जो निरंतर याद है, अगर याद सहज होगी तब हो सकेगी, या कठिन याद है तब हो सकेगी। सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, और निरंतर याद होगी तो तीव्र याद भी होगी। जैसे सोना है, कचरा पड़ा हुआ है सोने में, वो तीव्र अग्नि में कचरा अलग होगा या साधारण अग्नि में कचरा अलग होगा? तीव्र अग्नि में कचरा अलग हो जाता है। ऐसे ही ये योग अग्नि है, ये योग अग्नि घड़ी घड़ी प्रज्वलित होती रहे, घड़ी घड़ी ठंडी होती रहे। तो अग्नि काम नहीं करेगी, कचरा दग्ध नहीं होगा, पाप भस्म नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लगातार याद आती रहे, निरंतर याद आती रहे, तो पापों का कचरा भस्म हो सकेगा। वो क्या तरीका है? है स्नेह शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? स्नेह प्यार शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? है? हम आदि किस बात के हैं? 63 जन्मों से, 84 जन्मों से इस बात के ज्यादा आदि हैं? आत्मा को याद करने के ज्यादा आदि है या देह को याद करने के ज्यादा आदि है? देह को याद करने के 63 जन्म के आदि है। तो हमारी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। बच्चा पैदा होता है माँ को याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है संगी साथियों को याद करता है, और बड़ा होता है तो टीचर को याद करता है। देहधारी बदलते जाते हैं ना, फिर भी देहधारी को याद करता है कि बिना देह के याद करता है? देहधारी को याद करता है। टीचर भी बदल गए, आप शादी हो गई, पत्नी को याद करने लग पड़ता है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा याद आने लगता है। तो याद तब्दील भले होती है रूप, लेकिन फिर भी देहधारी की याद आती है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारा प्यार विनाशी के साथ होना चाहिए या अविनाशी के साथ होना चाहिए? अविनाशी आत्मा है या शरीर? आत्मा अविनाशी है।
तो फिर किसकी याद करें जो सहज याद हो जाए? है? क्यों? साकार शरीर को कहा जाता है और निराकार आत्मा को कहा जाता है, तो किसको याद करें? निराकार आत्मा को याद करें, क्योंकि निराकार आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। विनाशी शरीर को याद करेंगे तो निरंतर याद नहीं हो सकती, फिर क्या करें? अरे ऐसा शरीर ढूंढना पड़े जो सारे सृष्टि काल में 5000 साल विनाश ही नहीं होता, महाविनाश होता है सारी सृष्टि का, उसको विनाश होते कोई नहीं देखता, सब का विनाश हो जाता है शरीरों का, लेकिन एक ऐसा शरीर है जिसको विनाश होते कोई देख नहीं सकता, गारंटी है। सब के शरीरों का विनाश होने के बाद वो आत्मा अंत में जाएगी ऊपर, तो अगर ऐसे का ज्ञान हो जाए कि वो शरीरधारी कौन है, वो शरीर कौन सा है, तो निरंतर याद हो जाएगी या अंतर पड़ेगा? निरंतर याद हो जाएगी। ये तीव्र याद का तरीका है, परंतु इसके साथ साथ एक के अलावा और अपनी आत्मा के अलावा और सबसे वैराग्य का अभ्यास चाहिए, और किसी से राग नहीं, कोई से प्यार नहीं, सब धोखेबाज। ये अभी से बात पक्की बुद्धि में बैठ जाए, अगर नहीं बैठी है तो आगे चल के हादसे ऐसे होंगे, जो हादसे बुद्धि में बैठाएंगे कि बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, भैया भैया नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं रहेगा, बाप बेटे का संबंध भी काम नहीं आवेगा, और आज भी दुनिया में काम नहीं आ रहे। तो अभ्यास भी चाहिए और वैराग भी चाहिए। तो निरंतर याद होगी, सहज याद होगी, और प्रैक्टिस करते करते तीव्र याद भी हो जाएगी। बाबा शिव नाम किसने रखा? जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने नाम रखा शिव। नाम किस आधार पर रखे जाते हैं? काम के आधार पर। तुम क्या काम करते हो, ये क्या काम करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, ये काम एक दूसरे के देखने में आते हैं कि नहीं है? आते हैं। तो काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं, और शास्त्रों के देखने के आधार पर, शास्त्रों को फॉलो करने के आधार पर आज की दुनिया वाले भक्त में भक्तजन जो है वो नाम रखते हैं। तो नाम किसने रखा शिव? अनुभव करने वालों ने नाम रखा या दूसरों ने कोई ने नाम रखा? अनुभव करने वालों ने जो अनुभव किया कि दुनिया में एक ही आत्मा है जो सदैव कल्याणकारी है और सबके लिए कल्याणकारी है, एक के अलावा दुनिया में और कोई नहीं है जो सदा कल्याणकारी हो और सदैव कल्याणकारी हो। ये अनुभव किया है प्रैक्टिकल जीवन में, कोई ने पहले अनुभव कर लिया और कोई ने बाद में अनुभव किया। जिसने पहले अनुभव कर लिया, यहाँ लाउड स्पीकर की जरूरत है, नहीं तो चिल्लवा चिल्लवा के हमारा कर दे।
या गिल्ली डंडा खेलता है तो खूब चिल्लाता है। पहला पत्ता कृष्ण क्यों है? कृष्ण क्यों है उसमें पहला पत्ता क्यों है? कृष्ण क्यों है? क्योंकि जो सबसे जास्ती सहन करता है वो ही पहला पत्ता बनता है। बीज डाला गया जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जब डाला जाता है तो पहले पहले शरीर सारा बीज सड़ता है कि नहीं सड़ता है? है? उस सड़ान के अंदर, उस सड़ान की पहली पहली अनुभूति कौन करता है? और अनुभूति करते हुए भी जिंदा रहता है और जिंदा होके ऊपर आता है, वो पहला पत्ता है या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 500 करोड़वां? पहला पत्ता है। और बाबा भक्ति मार्ग में माता आज्ञा है हैं? क्या नहीं चढ़ाते? पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते? जो फूल होते हैं वो सुखदाई होते हैं, पत्ते सुखदाई नहीं होते हैं। फूलों में सुगंध होती है इसलिए सुगंधित फूल देवताओं को चढ़ाते हैं। फूल देखने में सुंदर लगते हैं इसलिए देवताओं को फूल चढ़ाते हैं। मनुष्यों को गुलदस्ता देते हैं, उसमें पत्ते भी होते हैं और फूल भी होते हैं। और तुम्हारा नंबर नहीं, नंबर इधर का है भाई। ये माता आद्या है और माता आद्या पिता निरंजन ये है जी। बोलो। ये गाया गया है कि पहले वो पिता निरंजन और माता आद्या थे, शिव से भी पहले, वो लोग पहले ये इस बात से बहुत पीड़ित थे। शिव ज्ञानी है अज्ञानी है? ज्ञानी पहले होना चाहिए या अज्ञानी पहले होना चाहिए? तो माता ज्ञानी या अज्ञानी? शिव ज्ञानी या अज्ञानी? दो दो बातें तुम तो करते हो। माता आद्या शक्ति है लेकिन शक्ति तब है जब शरीर के साथ है। माताओं में ज्यादा देहभान होता है या पुरुष में ज्यादा देहभान होता है? है? माताओं में कन्याओं में देहभान ज्यादा होता है और जो देहभान है वो अज्ञानता की तरफ ले जाता है, अज्ञानता आधीन बनाती है या स्वाधीन बनाती है? है? आधीन बना देती है। इसलिए भगवान का नाम ईश्वर कहा जाता है। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला। ईश्वर के जो साथ होती है उसको ईश्वर नहीं कहा जाता, उसमें एक मात्रा फॉलोअर के रूप में बढ़ती है, उसको कहते हैं ईश्वरी। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा फॉलोअर वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव। फॉलोअर के अर्थ में फॉलो करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, आगे आगे चलने वाला ज्यादा पावरफुल बुद्धिमान या पीछे पीछे चलने वाला बुद्धिमान? आगे चलने वाला। तो वो है ईश्वर।
और वो है ईश्वरीय। लेकिन अज्ञानता के कारण जिनकी अकल कम काम करती है, अकल कम काम करने के कारण रूप पर ज्यादा मोहित होते हैं या अंदरूनी गुणों पर ज्यादा मोहित होते हैं, रूप पर मोहित होते हैं। जो रूप के बाहरी रूप के ऊपर मोहित होते हैं उनको असुर कहा जाता है, दैत्य राक्षस कहा जाता है। इसलिए मुरली में भी बोला है देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय। क्यों? रावण किसकी पूजा करता था? देवी का पुजारी था। पहले शिव की पूजा नहीं करता था, शिव को नहीं मानता था, इसको मानता था, देवी को मानता था। रूप के ऊपर जो मोहित होते हैं वो रूप सदा काल रहता है या क्षणभंगुर होता है? है क्षणभंगुर होता है। रूप के ऊपर फिदा होने वाले क्षणभंगुर के लिए एक रूप के ऊपर फिदा हो गए, थोड़े समय के बाद वो रूप, वो जवानी खलास, वो रूप खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर वो असुर दूसरा रूपवान पकड़ते हैं, तीसरा पकड़ते हैं, चौथा पकड़ते हैं, पकड़ते ही रहते हैं या कहीं टिक जाते हैं, पकड़ते ही रहते हैं। इसको कहा जाता है व्यभिचारी रावण। जो व्यभिचारी होते हैं उन्हें दैत्य कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, रावण कहा जाता है, अनेक सिर वाले कहा जाता है। भारत की ये परंपरा नहीं है, भारत भरत से पैदा होता है। भरत माने भरण पोषण करने वाला। भरण पोषण करने वाला कौन देवता है? अरे विष्णु। और विष्णु की रचना करने वाला कौन है? है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णु की रचना करता है, प्रवृत्ति मार्ग की रचना करता है। वो प्रवृत्ति मार्ग भारत का प्रवृत्ति मार्ग है, आदि से लेकर के अंत तक हरा भरा बना रहता है। और धर्म वाले सब निवृत्ति मार्ग वाले, अर्थात विचार को बढ़ाने वाले हैं। एक देवी देवता सनातन धर्म है जो शिव बाबा आकर के स्थापन करते हैं। और बाबा कहते हैं अल्लाह अकबर, तो अकबर अल्लाह सुप्रीम के लिए, सुप्रीम सोल के लिए, और अकबर वो किसके लिए कहते हैं? आप कहते हैं जितने, जैसे कहते हैं ना अंधों में काना राजा, सारे अंधे बैठे हुए हैं किसी राज्य में, सारे ही अंधे हैं, उनमें एक काना है, तो जो अंधे हैं वो राजा किसको बनाएंगे? हैं? काने को राजा बना लेंगे। ऐसे ही अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा कौन है? सुप्रीम सोल शिव है अल्लाह। और ये सारी दुनिया है अंधों की, उन अंधों के बीच में एक ही मनुष्य है। मनुष्य तन में बाप आता है शिव, जो मनन चिंतन मंथन करता है उसका नाम क्या है? मनुष्य। मनो मन का उपयोग करने वाला। तो अंधों में काना राजा कौन हुआ? कौन हुआ?
प्रजापिता है, देखो कैसे बोलता है। लेकिन प्रजापिता का तो बावर का पार्ट है ना, वो तो वो पार्ट उसका 84 जन्म में 84 तरह का है, वो उसे वो एक अलग बात। फिर संगम युग में उसकी शूटिंग कैसे होती है? क्यों, वो बाबा रह के बाबा बन के नहीं रहता है? रहता है तो बाबर हो गया ना। अरे जब सारी दुनिया में प्रत्यक्षता होगी तो सब कोई बाबा 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 बोलेगा कि दादा बोलेगा? बाबा ही बोलेगा, तो बाबा ही रहा ना, तो बाबर हो गया। और सदा काल नारायणी नशा में या मौज में रहने का मूल तरीका क्या है? जैसे कि कार्य व्यवहार करते अपने जीवन में जो आध्यात्मिक कार्य, उसमें भी मतलब खलल ना पड़े और हमारा काम, जैसे बाबा ने बोला ना कि तुम अगर याद में कुछ करोगे तो तुम्हारा पहाड़ ऐसा काफी रुई का मतलब जैसा हो जाएगा, और उसमें कमी ना हो, सदा काल खुशी बनी रहे और हमारा कार्य व्यवहार भी, उसका मूल तरीका क्या है? उसी में कमी ना आए, माया कहीं से अटैक ना करे, वो उससे सेफ। हो गई बात पूरी? शादी आदि हो गई कि नहीं? कुमार हो, सच्चा सच्चा बोलोगे तो बात ठीक है, नहीं तो दूसरी बात बोलेंगे बाबा। अच्छा, तो जो कुमार नहीं रहे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई से प्यार कर लिया, महबूबा बना ली, उनके दिल से कभी बात पूछना कि वो जब कारखाने में काम करने जाते या हल चलाने जाते, खेती करने जाते, मजदूरी करने जाते, तो उनको काम करते कौन याद आता था? क्या बतावेंगे? अपनी महबूबा का नाम, महबूबा का नाम बतावेंगे कि वो याद आती थी? वो क्यों याद आती थी? हमको क्यों नहीं याद आता? हम इतना याद करना चाहते हैं, शिव बाबा को महबूबा बना लिया, हम आशिक हो गए शिव बाबा के, हो गए कि नहीं? हो गए, तो हमें क्यों नहीं याद आता? हमें काम करते क्यों नहीं याद आता? अगर हम शिव बाबा को प्रैक्टिकल जीवन में अपना बना लें तो जरूर याद आएगा। जिसको अपना बनाया जाता है उसके ऊपर तन, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर धन, उसके ऊपर सारा समय, संपर्की और संबंधी सब क्या किए जाते हैं? अर्पण न्यौछावर किए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तू ही चाहिए। ऐसा किया है? कर लिया, कर लिया। कहने करने में बहुत अंतर होता है, मुंह से बाद में कहना चाहिए और करके पहले दिखाना चाहिए। और नहीं तो माया मुंह फैला के दौड़ती है, है? तू कैसे पहले सरेंडर हो जाएगा, है? मैं पहले सरेंडर होंगी तो मेरे को टाइटल मिलेगा सर्वशक्तिमान, तू सरेंडर हो जाएगा तो तेरे को मिल जाएगा ना, इसलिए मैं इंद्र देवता की फॉलोअर बैठी हुई हूँ, तेरे को नहीं करने दूंगी। तरीका तरीका बता दिया ना, ये बोल बोल कम करो बाबा। कहते हैं मुरली में आया है, एक सेकंड के लिए परम धाम सबको जाना है, तो कौन सी परम धाम की बात है, साकारी या निराकारी? निराकारी आत्मा हो कि नहीं हो? हाँ। तो उसके लिए कौन सा धाम चाहिए? निराकारी। निराकारी तो और साकारी जीवात्मा हो या नहीं? हाँ। तो उसके लिए कौन सा चाहिए? साकारी। तो साकारी भी चाहिए, निराकारी भी चाहिए, मतलब दोनों ही परम धाम? दोनों परम धाम नहीं है तो दोनों में ही जाना होगा ना? दोनों में ही जाओ। पहले क्या हो तुम? पहले आत्मा। और शरीर नहीं हो? आत्मा और शरीर दोनों का मेल जीवात्मा है, जीवात्मा। तो पहले साकार में चाहिए, साकार में निराकारी स्टेज बना के दिखाओ, फिर जब निराकारी स्टेज बन जाए तब फिर साकार शरीर को छोड़ देना। शरीर कितने प्रकार का? शरीर कितने प्रकार का? शरीर कितने प्रकार का? 84 लाख योनियां है, तो 84 लाख योनियों के प्रकार का है। और 84 लाख योनियों के शरीर होते हैं कि नहीं? होते हैं ना, तो शरीर भी
कितने प्रकार के हुए? 84 लाख योनियों के प्रकार के 84 लाख शरीर हो गए है। सूक्ष्म शरीर भी वही दिखाई पड़ रही है। जो स्थूल शरीर होगा उसका लाइट का आकार वैसा ही दिखाई पड़ेगा, जैसे टीवी की रील में दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म पकड़ सकते हैं उसे? नहीं पकड़ सकेंगे। क्यों नहीं होगा? उसको अपने प्रकार की मनबुद्धि नहीं होती है? होती है। बाबा मुरली में आया है 84 जन्म लेने वाले ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे के? लेकिन फिर जो दूसरे दूसरे धर्म वाले धर्म के लोग हैं वो अपने शास्त्रों में कैसे स्वर्ग का गायन लिखते हैं? जो यहाँ से कन्वर्ट होकर के उनके धर्म में चले गए वो ही लिखते हैं, जो अपने धर्म के तक्के हैं वो नहीं लिखते। तो अंत में सारी दुनिया को पता चलेगी स्वर्ग के बारे में? पता चलेगी, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले गए हैं वो ही पहुँचेंगे। उनको तलखीलापन पैदा होगा कि हम कब पहुँचे जल्दी से जल्दी। और नष्टदेवों को क्या प्राप्ति होगी है? नष्टदेवों को उनको प्राप्ति होगी दुनिया के बिगाड़ करने की। जैसे वो कथा कहानियां आती है कि किसी को वरदान मिला कि तुमको जो प्राप्ति होगी उससे दुगनी प्राप्ति तुम्हारे पड़ोसियों को हो जाएगी, तो उसको खुशी नहीं हुई। अरे ये क्या वरदान मिला, जितनी हमको प्राप्ति होगी हमसे दुगनी हो जाएगी हमारे पड़ोसियों को, ये तो कुछ नहीं हुआ। वो बैठ गया, अपनी एक आंख फोड़ ली, पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। उसने एक बाह काटी, पड़ोसियों की दोनों बाह कट गई। अपनी एक टांग काट दी, पड़ोसियों की दोनों टांग कट गई। और लंगड़ा लंगड़ा के पहुंच गया उनके सामने। ऐसी प्राप्ति होती है, कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? दूसरों का दुख अच्छा लगता है कि सुख अच्छा लगता है? दुनिया में ऐसी आत्माएं हैं जो दूसरों को सुखी देख करके खुद को सुखी हो जाती है, तो इसकी उल्टी आत्माएं नहीं होंगी? इसकी उल्टी भी आत्माएं। बाबा मुरली में आया है गीता माता से कृष्ण को राजाई मिलती है, तो इसका बेहद गीता माता का बच्चा नहीं है कृष्ण? हाँ है, लेकिन राजाई तो बाप से मिलती है ना? राजाई बाप से मिलती है, लेकिन माता अगर प्योरिटी की पावर दे करके अर्धांगिनी न बने तो बाप कुछ कर पाएगा? फिर दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। बाबा जिसे बोले हैं हम कांटे से चटाई भी बनाते हैं, किसके लिए बोले? हम किसके लिए बोला गया? हम बच्चे ही बनाते हैं। कांटों की नोक तोड़ दो और उनको पानी में भिगो लो, पानी में भीगते भीगते मुलायम पड़ जाएंगे और उनकी चटाई बना दो। अपने घोट में नशा और क्या, जो खुद घोटेंगे उनको ज्यादा नशा चढ़ता है भांग का, या घुटी घुटाई ले आते हैं उनको ज्यादा भांग का नशा चढ़ता है? किसको चढ़ता है? खुद घोटता है। तो जो खुद मंथन करेगा उस मंथन करने वाले को ज्यादा नशा चढ़ेगा। जो खुद मंथन नहीं करते हैं दूसरों का मंथन किया हुआ ले लेते हैं, जैसे विजयमाला जब सारा मंथन का काम हो चुकेगा तब अंत में लक्ष्मी निकलेगी या पहले ही निकलती है? अंत में निकलेगी। तो घोटा घोटाया मिला या खुद घोटा, तो ज्यादा नशा नहीं चढ़ेगा जो राजा बन जाए। इतना नशा नहीं चढ़ेगा जो जन्म जन्मांतर लड़ाई मारा मारी करता रहे और राजा बनता रहे। बनता है?
नहीं बनता है, लड़ाई से ही बहुत डर लगता है उनको। महलों में रहना पसंद, युद्ध भूमि में जाना उनको बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं। तो नशा चढ़ा या नशा उतर गया? हाथी जब किले के फाटक को तोड़ने के लिए दौड़ता है तो क्या करते हैं? जो हाथी के मस्तक में ढेर सारी कीलों का एक मोटा पतरा बांधा जाता है, मोटी मोटी कीलों का, और वो दौड़ता हुआ आता है और फाटक को ठोकर मारता है, तो उससे पहले उसको क्या किया जाता है? अरे अरे राजा बने ही नहीं क्या? उसको ढेर सारा नशा पिलाया जाता है। आज भी मिलिट्री वाले सबसे ज्यादा नशा पीते हैं या दूसरे मौके वाले पीते हैं? मिलिट्री वाले पीते हैं, उनको खूब पिला के खूब जोश में लाया जाता है, जोश में ला के खूब लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही हाथी को बहुत शराब पिलाई जाती है और शराब पिला के फिर उसको दौड़ाया जाता है, और नशा जब चढ़ जाता है पुरजोश पर तो फिर ये थोड़ी देखता है कि मैं टक्कर मारूंगा तो दो चार टक्कर में मैं ही खलास हो जाऊंगा, दूसरा हाथी लाना पड़ेगा। और जो भोग लगाते हैं अब भक्ति मार्ग में जो भोग लगाते हैं उसका राज क्या है? बेसिक बेसिक। अरे भक्ति मार्ग में भोग नहीं लगाते हैं पितरों को? तो फिर जैसे दुनिया में है वैसे बाहर, दुनिया भी भक्ति मार्ग की बातों को फॉलो करती है, वो भी भक्ति मार्ग की बातों को फॉलो करते हैं। और बाबा मुरली में आया है जो वो आपको जानता है वो आस्तिक, और जो नहीं जानता है वो नास्तिक, लेकिन मुरली में ही आता है भारत अभी पूरा नास्तिक है। भारत बाप है? नहीं, भारत अभी पूरा नास्तिक है। हमारा बाप कौन है? शिव। तुमने क्यों भारत को बाप मान लिया? नहीं, भारत को बाप नहीं, भारत अभी पूरा नास्तिक है, इसका मतलब भारत को भी बाप का पहचान नहीं है। अगर भारत को बाप की पहचान हो तो बताओ कि भारत किसकी बात मानता है? कोई के ऊपर दुनिया में आस्था है उसे है? भारत को दुनिया में इतने मनुष्य हैं, भारत में और दुनिया में इतने मनुष्यों इतनी नारियों के बीच में नरों के बीच में भारत किसी की बात मानता है? है? साकार में कोई है जिसकी वो बात मानता हो? है? नहीं मानता। अगर मानेगा तो जिसकी बात मानेगा वो ही सुप्रीम टीचर हो जाएगा, वो ही सुप्रीम गुरु हो जाएगा। तो वो किसी की बात नहीं मानता तो किसी के ऊपर आस्था है? नहीं। जब आस्था किसी के ऊपर है ही नहीं तो आस्तिक है कि नास्तिक है? है नास्तिक है। बाबा हाँ, भगवान शब्द का है? भगवान शब्द का, भगवान शब्द का अर्थ क्या? भगवान शब्द का अर्थ भगवान है भाग्य, वन माने वाला। दुनिया में इतना भाग्य वाला जन्म जन्मांतर का कोई है ही नहीं जितना भगवान है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। है भगवान की नहीं है? है, चलो मान तो लिया। और गुड़ जाने गुड़ बोलते हैं, सब भाव क्या होता है? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने माने शिव बाबा जाने, और शिव बाबा की गोथरी प्रजापिता जाने। पोता मिल की बातें दो के अलावा और कोई नहीं जानता। लोग अपना पोता मिल लिख के देते हैं ना, तो कौन जानता है? है या तो शिव बाप जानता है या तो मनुष्य सृष्टि का बाप जानता है, और तो कोई जानता है। और है आप मुरली में लिखते हैं?
एक को पीछे बोल रही है, पहले बोल रही है, आपसे बोल लेने दो। हाँ, चाणक्य का अर्थ। अच्छा, जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, ऐसे ही चणक का बच्चा चाणक्य, उसके बाप का नाम चणक था। क्या? उसके बच्चे का नाम हुआ चाणक्य। जैसे शिव के बच्चे का नाम शैव, विष्णु के बच्चे का नाम वैष्णव। बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। द्विती का बच्चा दैत्य, अदिति का बच्चा अद्वैत अर्थात देवता। और परखना नहीं जानती, परखना मालूम नहीं है क्या? हिंदी नहीं जानती क्या? फिर पूछती काय के लिए है? परखने की शक्ति है, सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, इनके बारे में प्राप्ति का वो पहचान नहीं है? पहचान है तो फिर पूछने की बात ही नहीं। और बाबा है, जगदम्बा सिर्फ बीज है इसलिए उसे कभी राधा नहीं कहते। क्यों? जगदम्बा से तो बीज है। हाँ, ऐसा वार्तालाप में आया है। जगदम्बा से बीज है इसलिए उसे राधा नहीं कहते हैं। राधा, राधा बीज नहीं है? राधा हाँ है। फिर तो फिर क्यों ऐसा? नहीं, राधा को राधा इसलिए कहते हैं कि राधा ने ही राम को, राम माने राम, धा माने धारण करने वाला, राधा ने ही राम को पूरा पूरा धारण किया, बाकी कोई ने आदि से लेकर के अंत तक धारण किया ही नहीं, कर ही नहीं पाया। उस शरीर रूपी धनुष को कोई ने उसका वजन उठा ही नहीं पाया, सब फेल हो गए। राधा आज से लेकर के अंत तक सहयोगी बनकर के रही, इसलिए उसका नाम राधा है। जगदम्बा तो बीच में फिर भी छोड़ के गई ना, इसलिए। और शरीर छोड़ने से आत्मा दोनों दो जगह, शरीर छोड़ने से दो जगह, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा दो जगह रहेगा। दो जगह रहेगा? इनका प्रश्न है। दो जगह रहेगा? दो जगह क्या? चल रहे हैं और एडवांस चल रहे हैं तो दो जगह आत्मा चल जाएगा। जब शरीर छूटेगा तो दो जगह, जो बेसिक में भी चल रहे हैं और एडवांस में भी चल रहे हैं, वो एडवांस में नहीं चल रहे हैं, या तो बेसिक में चल रहे हैं या तो एडवांस में चल रहे हैं। अगर जो एडवांस में आ जाएगा उसका बेसिक छूट जाएगा, वो वहां पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, किस लिए जाएगा? पढ़ाने के लिए जाएगा। जैसे बेसिक में आए थे तो मंदिर किस लिए जाते थे? बेसिक में आने के बाद मंदिर में आने वालों की सेवा करने के लिए जाते थे या उनसे पढ़ाई पढ़ने जाते थे? तो जो बेसिक में भी है वहां भी पढ़ाई पढ़ने जाते हैं और एडवांस में भी आते रहते हैं, उन्होंने समझा ही नहीं, फैसला ही नहीं किया कि भगवान का काम किधर चल रहा है। इसलिए दोनों तरफ टांग अड़ाई हुई है। ओम शांति। एक घंटा हो गया, हमको कभी दूसरी जगह जाना है।